सो हेलो गाइस, बहुत दिन बाद एक कुछ अलग वीडियो कर रहा हूँ। ये वीडियो लच्छी के ऊपर है, ठीक है ना। मेरे पास लच्छी का बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन ये तीन चार मंजा लेके बैठा हूँ वीडियो के लिए। इसके अलावा भी मेरे पास लच्छी का स्टॉक है, आतिक भाई का स्टॉक है, सुल्तानी तलवार, सोना काइट्स का फाइनल राउंड है, ठीक है ना, सोना काइट्स का खुद का लच्छी है, और यूनिसिक्वल का 3007 भी था, वो तो एक दोस्त लोग को दे दिया, बांट दिया। बहुत सारे अभी मंजा स्टॉक से निकल चुका है, ब्रांडेड जो जो मंजा था सब स्टॉक से निकल चुका है, कुछ दो तीन मंजा पड़ा हुआ है। लेकिन ये सब बात नहीं है, बात है क्वालिटी का, ठीक है ना। ये वीडियो बन रहा है एक कुछ खास एक कस्टमर रिव्यू के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर जो जो आप मंजा देख रहे हो, मनचरकी का बंडल देख रहे हो, सब लच्छी के ऊपर है, ठीक है ना। और बहुत सारे हैं, वो सब बंडल मैंने नहीं निकाला, ठीक है ना। कंपेयर एग्जांपल देने के लिए तीन चार मंजा ही काफ़ी है। तो ये आप देख सकते हो कालाबाज, कालाबाज एक खुद में ही एक नाम है जुबेर भाई का। मैं कुछ मेकर का बुरा ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या ये भी बहुत रीजनेबल रेट में आपको लच्छी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। काम अच्छा हुआ है, सुताई अच्छा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जैसा लच्छी बनता है। और अभी तो लच्छी का सीजन नहीं है, अभी तो बरसात का सीजन है, अभी वेदर थोड़ा खुल गया है, आप लोग देख ही सकते हो वेदर थोड़ा खुल गया है, लेकिन अभी भी बरसात का सीजन है। अभी ये सब मंजा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, विंटर के टाइम लच्छी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और ये जो वाइट वाइट कलर आ रहा है, ये कुछ नहीं है, ये इंसेक्टिसाइड पाउडर है, मेरा पतंग में भी दिया हुआ रहता है और मंजा में भी। ये आप देखिए उस्मान जाफरी जी का कयामत है, ये भी एक खुद में एक नायाब कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा लच्छी है, कोई बात नहीं है। लेकिन लच्छी जैसा होता है, स्मूथ गोल धार पे लच्छी जैसे होता है वैसा ही है, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम है। मैं बड़ा बड़ा मेकर को लेके यहाँ पर बैठा हूँ, ये तो आप देख ही सकते हो, ये तो बहुत सारे टूर्नामेंट के विनर है जयपुर के, ठीक है ना। जाकिर का डोन नंबर वन है, वीर चक्र था वो तो दोस्त लोग को बांट दिया, बहुत ही अच्छा मंजा है, आप लोग देख ही सकते हो एकदम, देख ही सकते हो एकदम प्योर लच्छी है। लेकिन ये तीनों जो मंजा है, ठीक है ना, ये तीनों मंजा जो अभी मंजा बनता है लच्छी मंजा, वो चरकी पे बनता है, ठीक है ना। मंजा को पहले सूता जाता है, सूतने के बाद उसको केमिकल में डुबोया जाता है, फिर चरकी में उड़ता है, उसके बाद फिर ताना जाता है, फिर सूता जाता है, ऐसा प्रोसेस कुछ हद तक चलता रहता है, ठीक है ना। मंजा का ओरिजिनलिटी लेके कोई दिक्कत नहीं है, सब मंजा ओरिजिनल है, लेकिन लच्छी जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिनल लच्छी अभी जैसा बनता था पुराने जमाने में वैसा नहीं मांगता, अच्छा काम हो रहा है। ये सब बड़ा बड़ा जो मेकर है अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिस इकबाल जी है, जाकिर भाई है, उस्मान जाफरी जी का बेटा अभी बना रहे हैं, जुबेर भाई, उसी का मंजा का मैं बुराई यहाँ करने को लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन मंजा अच्छा है। लेकिन इसके बाद भी जो मुझे मिला, इस सोने की खान से मुझे मिला है, आप समझ लीजिए, ये एक ऐसा लच्छी है, किसका भेजा हुआ है आप लोग शायद मंजा देख के ही आप लोग को पता चल जाएगा, सोना काइट्स गौरव सर, इसका आप कोई जवाब नहीं है। ये जो मंजा है इस जस्ट बन के आया हुआ है, इस बरसात के मौसम में तान के बना हुआ है, ठीक है ना, ना ही कोई ऐसा चरकी पे बना हुआ है
ठीक है ना, जैसे अड्डा पे तान के, बांस के डंडी पे जैसे तान के रहता है ना, वैसे बना हुआ है। ओरिजिनल लच्छी पहले जैसा बनता था, अभी तो चरखी में बनता है, चरखी में उतार लेता है, उसके बाद केमिकल में डुबो के फिर से ताना होता है, फिर से कोटिंग चढ़वा होता है, उससे क्या होता है, मंजा का स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, ठीक है ना, धागा का स्ट्रेंथ खत्म होता है। लेकिन ये जो मंजा है ये ऐसे बना हुआ है, आप लोगों को मैं, आप लोग जब छुएंगे ये मंजा, आप एक बार यूज करके अगर देखेंगे ये मंजा का क्वालिटी क्या है, अब तक का यूज किया हुआ मेरा सबसे बढ़िया लच्छी है ये। और क्या प्राइस है ये आप गौरव सर से कॉल करके पता लगा सकते हो, बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मार्केट में बड़ा बड़ा मेकर जो जो प्राइस रेंज रहता है और जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी गौरव सर ने प्रोवाइड किया हुआ है। कौन मेकर है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन जो क्वालिटी सर ने, एकदम खड़ा मंजा है, ठीक है ना, एकदम खड़ा मंजा है, इतना बार हाथ फेरने के बाद भी देखिए मंजा कैसे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और एकदम लग रहा है कि एकदम रेडी मंजा है, ठीक है ना। मैं तो हमेशा ही धूप दिखाता हूँ, अभी छत पे ही हूँ, छत पे ही वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हो, तो वेदर भी खुला हुआ है, ठीक है ना। तो अभी धूप दिखा रहा हूँ, तो ये रिव्यू है, एक एप्रिसिएशन वीडियो है, जो मेहनत गौरव सर, उसका टीम, उन लोगों का मेकर टीम, मंजा मेकिंग टीम और पतंग का मेकिंग टीम कर रहे हैं, ये मंजा इस, ये क्वालिटी और पतंग का क्वालिटी आप लोग वीडियो भी देख सकते हो, विजय भाई का, चौहान सर का, सर का खुद का चैनल है सोना काइट्स, जो प्रोवाइड कर रहे हैं रिजनेबल रेट में, सबका शौक पूरा हो रहा है, सब भाई का शौक पूरा हो रहा है, ना कि खाली बिजनेस में अटका हुआ है सब, और क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है ना। और आप देख ही सकते हो मंजा का चरखी थोड़ा खाली लग रहा है, ठीक है ना, इससे बहुत सारे जो कस्टमर है थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये सब मंजा एकदम बारीक सुताई किया हुआ है, ठीक है ना, इस पे काम ऐसा हो रखा है, मंजा इतना बारीक हो गया है कि इतना जगह खाली रहता है, इसमें पूरा 12 का 12 ही रील भरा हुआ है, आप इसका जब हाथ में लेंगे, वजन उठाएंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि 12 रील ही इसमें डाला हुआ है। लेकिन मंजा पे क्या बोलूँ, लच्छी पे इतना उम्दा काम, कौन मेकर है पता नहीं, उनके लिए दुआ रहेगा कि आप बहुत ऊपर जाए, गौरव सर के साथ रहे, ऐसा क्वालिटी आप प्रोवाइड करते रहे, ठीक है ना। लच्छी स्पेशल है, A1 क्वालिटी, ठीक है ना, एक बार यूज़ करके देखिए गाइज। और ये जो लच्छी है, ये जो ओरिजिनल लच्छी है, अभी जो चरखे पे बनता है उतार के तान के, वो उससे स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है लच्छी का, मंजा अच्छा बनता है नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है बड़ा बड़ा मेकर का, मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एकदम सॉलिड मेहनत पे बना हुआ है, और ये आपको ये सब मंजा सीजन के अलावा आपको नहीं मिलेगा। दूसरे जो मेकर है, ये सब मेकर है, इन लोगों का मंजा आपको 12 महीना मिल जाएगा, लेकिन ये सब मंजा आपको ओनली सीजन में ही बनता है, सीजन में ही 2-4 चरखी बनता है, आपको ऑर्डर ऑर्डर दे के बनवाना होगा। हम लोग खुश नसीब है, गौरव सर का इतना प्यार मोहब्बत है, इसीलिए ऐसा मंजा कुछ भाई लोग को मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये एक रिव्यू वीडियो था, कस्टमर रिव्यू वीडियो था, ठीक है ना। सभी लच्छी अपने आप में एक क्वालिटी अच्छा है, सभी अच्छा है, लेकिन
ये कुछ खास है गाइस, इसमें कुछ खास है। ये आप जब पकड़ेंगे, अब जब यूज़ करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये तो अभी नया बन के आया है, मेरा और एक चरकी ऑर्डर है सेम, इतना अच्छा लगा कि मंजा दूसरा चरकी भी मैंने ऑर्डर दिया है। ठीक है सर, गौरव सर भी ये वीडियो देख रहे होंगे, चौहान सर, विजय भाई भी वीडियो देख रहे होंगे। आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, साथ रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और गौरव सर, आपका कोई भी चरकी, अगर कोई भी बंडल नया निकले, कोई भी नया लॉन्च आपका हुआ मंजा का, ऐसा डोर अगर लॉन्च हुआ, कुछ भी नया लॉन्च हुआ, ऑब्वियसली 123 पे सर, मैं तो 8400 उड़ाता नहीं, छत से ही शॉक करता हूँ। कुछ बंदे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, तुम तो मैदान नहीं लड़ाते हो, छत से शॉक करते हो, फिर भी 123 क्यों यूज़ करते हो। 123 इसीलिए यूज़ करता हूँ, बहुत सारे मैदान का अभी मैदान बंद है, ठीक है ना, अभी बरसात का सीज़न है तो मैदान बंद है, इसीलिए बहुत सारे मैदान का जो प्लेयर लोग है वो हम लोगों के साथ छत से ही शॉक कर रहे हैं। तो जहीं से भी शॉक करते हैं हम लोग 123 शॉक करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मंजा, इससे अच्छा डोर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कोलकाता का जो अभी वेदर है, एकदम आप लोग देख ही सकते हो, एक पत्ता वत्ता कुछ नहीं हिल रहा है, ठीक है ना, हवा कोलकाता में एकदम कम चलता है। तो गाइज 8400 पांडा C28 जो सब मंजा आप लोग यूज कर रहे हो ना, वो सब बिन हवा में काम नहीं करेगा। मंजा का दोष देके, आप सेलर का दोष देके कोई फायदा नहीं, सेलर आपको अच्छा ही मंजा देगा, मेकर आपको अच्छा ही मंजा देगा, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कौन सा वेदर में आपको कौन सा डोर उड़ाना है, यूज करना है, कौन सा पतंग आपको चॉइस करना है, आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंप्लेन करते ही रह जाओगे सारा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारे छोटे छोटे बात है, आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को मंजा पहचानना पड़ेगा। आप लोग सोचिए, मेरा पास इतना स्टॉक है, इसके बाद भी मैं ये सब स्टॉक आपको नहीं दिखा के ये वीडियो आपको मैं स्पेशल करके दिखा रहा हूँ। इस मंजा में ऐसा कोई शायद ही बात होगा, होगा ही होगा कि ये स्पेशल करके वीडियो हो रहा है, ठीक है ना। जो लोग कनाईदा के टीम में लड़ाते हैं, ठीक है ना, जो लोग वासिफ भाई का गोगो के टीम में लड़ाते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसा बड़ा बड़ा मेकर है, बड़ा बड़ा जो प्लेयर लोग है, वो भी ये मंजा देख के सल्यूट करके गए हैं, ठीक है ना। ये मंजा बहुत ही उम्दा काम हो रखा है, बहुत ही मेहनत हो रखा है। मैं कहीं नहीं बोल रहा है कि दूसरा मंजा खराब है, दूसरा का मंजा, लेकिन ये मंजा कुछ खास ही है गाइस। आप लोग जब तक इसको यूज़ नहीं करोगे आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये क्या।